वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। क्या पत्रकारिता आपातकाल या अपना अस्तित्व बचाने के दौर से गुजर रही है? कमजोर लोगों की आवाज बनना क्या अब खुद की जान मुसीबत में डालने वाला जैसा हो गया है? मध्य प्रदेश के एक थाने में अर्धनग्न पुरुषों की जो तस्वीर मध्य प्रदेश की बहादुर पुलिस ने जारी की है, उसे देखकर तो यह सवाल चारों तरफ किया जा रहा है। इस तस्वीर में यूट्यूब व न्यूज नेशन न्यूज चैनल से जुड़े असहाय व शर्म से पानी पानी हो रहे पत्रकार कनिष्ठ तिवारी को भी देखा जा सकता है। इनका दोष केवल यही था कि इन्होंने भाजपा विधायक के खिलाफ खबर चलाई थी। पुलिस ने थाने में जो अमानवीय व्यवहार किया उस दौरान भी यही दोहराया जा रहा था कि भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ अब खबर चलाई तो शहर भर में चड्डी में जुलूस निकालकर घुमाया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह बेहद शर्मसार व मध्य प्रदेश पुलिस का असली चेहरा सामने वाली यह खबर चली तो जिम्मेदार थाना प्रभारी कोतवाली मनोज सोनी और अमीलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह को सिर्फ सस्पेंड कर खानापूर्ति कर दी गई। पत्रकार समुदाय को ग्लानी में डूब मारने वाली इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहते हुए तंज किया है कि लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण, या तो सरकार की गोद में बैठकर उनके गुणगान गाओ या जेल के चक्कर काटो, नए भारत की सरकार सच से डरती है। पत्रकार कनिष्ठ तिवारी ने इस घटना के बाद एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है। पहले देखिए वह वीडियो। मेरा नाम कनिष्क तिवारी है। आज पूरी दिन मुझे दिल्ली, भोपाल, हर जगह के मीडिया कर्मियों का फोन आया है। मेरे द्वारा सभी सच्ची घटना उनसे अवगत कराई गई है, बताई गई है, किंतु मेरे को और मेरे परिवार को लगातार धमकी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि बेवजह फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तुम लोगों के ऊपर हमला करवा देंगे और कुछ पूरा परिवार हमारा डरा हुआ है। कृपा करके सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में मुझे ये पुलिस के एक सूत्र के द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर भी फर्जी FIR जो है लॉन्च पुलिस करने की तैयारी कर रही है, जिससे मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा सके और ये पूरी तरह से फर्जी षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके लिए भी आप लोगों से निवेदन है कि आवाज उठाइए, आवाज बनिए, नहीं तो कभी कोई पत्रकार सच नहीं लिख पाएगा, कभी किसी दबे कुचले की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। कृपया साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए और मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और ये आप लोगों के हाथ में है। यदि आप एक बार साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम। दरअसल ये मामला जुड़ा है नीरज नाम के थिएटर आर्टिस्ट से। उसने केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिस पर नीरज को जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में कुछ लोग थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कनिष्क व अन्य पत्रकार भी थे। आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई की और फिर उनके कपड़े उतार कर इन तस्वीरों को वायरल कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।